हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवशंकर सेफ चैनल। शिवशंकर सेफ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोगों से वादा किया था, मैं एक नया रिसोर्ट ओपन करने वाला हूं। उसका जो किचन है, हम कैसे बनाए हैं, वो आज मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल पर और भी किचन सेटअप का वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, और ये जो है एक्चुअली बिग किचन है, मतलब बड़ा किचन है, जो इसमें रिसोर्ट भी है, मतलब आपका रेस्टोरेंट भी है, रूम भी है, और उसका बाद बार भी है और बैंक्वेट भी है। उस हिसाब से हमने इस किचन का सेटअप किया हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ, ये रेस्टोरेंट जो है आपको डोकी से 22 किलोमीटर पहले पड़ता है, एकदम काबरी वहर रिसोर्ट का नाम से आप लोग जानते ही होंगे। काबरी वहर रिसोर्ट भेज फ्रेश भेज रेस्टोरेंट, उसी का एक नया रेस्टोरेंट बना है, काबरी वहर रिसोर्ट का ही APR रेस्टोरेंट यूनिट ऑफ काबरीवार रिसोर्ट, मतलब एक ही पार्ट का है, जिसका किचन जो है पूरा एकदम न्यू एंड क्लीन, जो अभी मैं बनाया हूँ वो आपको दिखलाने वाला हूँ। जैसे कि उसका ओपनिंग होने वाला है, इससे पहले मैं आपको इस वीडियो को बना के आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे एक नोटिस बोर्ड है। एक किचन के अंदर में नोटिस बोर्ड होना चाहिए, जैसे कि आप किसी भी शेफ्स को, किसी भी स्टाफ को जैसे कि ज्वाइनिंग दिए हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक नोटिस लगाते हैं और सेफ लोग को जानकारी देते हैं कि मेरा अंदर में यहाँ का सेफ, इस होटल का सेफ आने वाला है। किसी को हम रिजिग्नेशन दे लेते हैं, वो जाना चाहता है, तो वो भी हम नोटिस लगाते हैं। जैसे कि पार्टी हुआ, या रूम का गेस्ट का ब्रेकफास्ट देना है, या लंच देना है, या बैंक्वेट का हुआ, या रेस्टोरेंट का, कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, VIP गेस्ट आने वाले हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे नोटिस लगाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ, तो उसके लिए मैं सू शेफ को देता हूँ, और वो सू शेफ उसको कॉपी करते हैं। ये हुआ किचन का, जैसे कि सेटअप जो किया जाता है उससे पहले जानकारी देने वाली बात। तो चलिए अब मैं आपको दिखलाने वाला हूँ किचन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले किचन आप जब भी बनाएं, तो किचन के अंदर में ये कोटो होना चाहिए। ये कोटो होना बहुत ज़रूरी है, गलती से भी आप लोग टाइल्स ना लगाएं। और उसका बाद आपको जो है ये ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये आपको ड्रेन लाइन है, इसको हम लोग ड्रेन लाइन बोलते हैं। और ये देखिए इसको जो है कितना डीप किया गया है, तो आपको इसी हिसाब से डीप लेना है। और ये रहा आयरन का सीट, आप चाहे आयरन का सीट लगाए या स्टील का, वो आपका ऊपर फेवर करता है, आप कितना रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए आज मैं आपको ये देखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी किचन के लिए। और ये देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि तंदूर से, ये रहा मेरा तंदूर सेक्शन। तो तंदूर सेक्शन में सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ये देखिए दो तंदूर, एक रहा ये और दूसरा रहा ये। तो उसके लिए हमको क्या है, जैसे कि इस तंदूर में भी नान रोटी लगाना है और इस तंदूर में भी लगाना है। तो मान लीजिए दो सेफ है, तो एक सेफ यहाँ से लगा लेंगे और एक सेफ उसको यहाँ से लगा लेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी जब खड़ा होते हैं तो हाथ हमको दहना चाहिए रोटी या नान लगाने के लिए। तो इसके लिए ये सेफ इधर से भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो तंदूर का सेफ होंगे वो भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं तंदूरी जोड़ी बोलते हैं, जिससे कि रोटी नान निकाला जाता है। और ये रहा आपका स्टील का हमारा तंदूर, और क्लीन किया हुआ तंदूर रहा आपको तंदूरी जोड़ी, जो रोटी और नान निकालने का काम आता है। ठीक है, आप लोग अच्छा से देखिए और शांति से देखिए। और ये रहा तंदूर। ये तंदूर क्या होता है, हमको स्टार्ट करने से पहले जैसे कि सेफ लोग पूजा करते हैं और इसमें मसाला लगाते हैं, मसाला लगाने के बाद इसको हम लोग कोयला डाल के जलाते हैं 2-3 दिन, जिससे तंदूर फटे नहीं। आपको ये जानकारी और ये इंटरेस्टिंग बात कोई नहीं बोलेगा। तो ये देखिए आपको हम दिखलाने वाले हैं, जैसे कि ये स्टिक, ये सीख जो है हम लगाए हैं, इतना सारा सीख, जैसे कि आपका ये पतला सा जो सीख हुआ हम भेज में यूज करेंगे, जैसे कि पनीर टिक्का वगैरह हो गया, जैसे कि ये मोटा वाला सीख जो है आपको तंदूरी चिकन वगैरह, सीख कबाब वगैरह में हम यूज कर लेंगे, ये जो है आपको चिकन टिक्का वगैरह में हम लोग यूज कर सकते हैं। आप नॉन वेज में 3 या 4 टाइप या 5 टाइप का सीख यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा तंदूर का किचन का जो है हम सेटअप कैसे किए हैं। और इसके लिए हमने ये देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने 2 डोर फ्रिज रखे हैं। ये 2 डोर फ्रिज जो है आपको
ये देखिए टू डोर फ्रिज हमको इसलिए चाहिए, कबाब्स और टिक्का वगैरह जो हम बनाएंगे तो हम इसमें स्टोरेज करेंगे, क्योंकि हमको गेस्ट जब भी ऑर्डर करते हैं तो उतना फास्ट हम नहीं दे पाते हैं, इसके लिए हमको 2-3-4 प्लेट बनाना पड़ता है। और ये रहा चॉपिंग बोर्ड, जिसके लिए एक्चुअली वेजिटेबल्स काटने के लिए ये नाइफ होता है, और जैसे कि नॉन वेज अगर काटना है तो हम चॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि भेज में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, अगर नॉन भेज कुछ हमको काटना है तो हम उसके लिए रेड बोर्ड यूज करते हैं। रेड बोर्ड के लिए हम इसका जो है नाइफ का कलर जो है अलग है, और इसका साइज जो है बिग होना चाहिए। वेजिटेबल कटिंग के लिए छोटा नाइफ होना चाहिए, और नॉन वेज कटिंग के लिए बड़ा नाइफ होना चाहिए। और जैसे कि तंदूरी चिकन वगैरह अगर काटना है, बिग बोन्स वाला अगर काटना है, बोन मतलब हड्डी जिसको बोलते हैं, अगर मोटा हड्डी का कोई भी नॉन वेज अगर काटना है तो आप इस चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों ने देखा तंदूर का सेटअप हम कैसे करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, एक्चुअली हम यहाँ पे दो डस्टबिन लगा रखे हैं। ये डस्टबिन का मतलब हो गया, मतलब एक ड्राई और एक गीला। एक में हम सूखा आइटम जो होता है ड्राई, जैसे कि ये प्लास्टिक वगैरह जो होता है हम इसको डालेंगे, और एक ये रहा जिसमें हम गीला डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये देखिए तंदूर में तावा रोटी भी आता है, जैसे कि तावा रोटी की एक्चुअली हमने अलग से चूल्हा लगा रखे हैं, इस पर चाहे मसाला कुलचा का मसाला हो या तावा रोटी का तावा हो, आप इस पर लगा सकते हैं। और अब आ जाइए आप चाइनीज सेक्शन में, तंदूर का बगल में हमने चाइनीज सेटअप करके रखे हैं, और बहुत सारा सेफ ऐसा भी करते हैं तंदूर के बगल में इंडियन रखते हैं, है ना। तो एक्चुअली हमारा जो किचन सेटअप है थोड़ा अलग है, यहाँ पे तंदूर क्या है थोड़ा सा लाइव है, वो लाइव भी हम दिखलाने वाले हैं। और ये रहा, इसको हम बोलते हैं मसाला पेटी भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसको मसाला बॉक्स बोलते हैं। ये देखिए हम जो मसाला इसमें डाल के रखे हैं, चाइनीज स्पाइसेस में जो यूज करने वाले हैं, वो आपको हम बारीक से दिखलाएंगे। इसमें देखिए हम क्या क्या रखे हुए हैं इसमें। और ये रहा जैसे कि आपको हम ये जीएन पेन रखे हैं, इसमें हम सॉसेस वगैरह रखेंगे और ढक के रखेंगे। तो आपको हाइजेनिक अगर मेंटेन करना है तो आप इसी तरीक़ा से रख सकते हो। और इसको बोलते हैं हम वॉल माउंटेन रैक। वॉल माउंटेन रैक के ऊपर हम ड्राई आइटम जो होता है, जैसे कि स्टोर से ला के किचन में भी स्टोरेज करना पड़ता है, वो हमने यहाँ पर ला के रखे हैं। और ये देखिए चाइनीज़ रेंच, चाइनीज रेंच जो है आपको हम ये रहा चाइनीज जेन पेन, इससे भी हम फ्राई पिन में ऑर्डर लगाते हैं, और बेसिकली हम नॉन स्टिक फ्राई पिन को यूज करते हैं जो हाइजेनिक होता है। और ये रहा चाइनीज का बर्नर, जिसमें हमने इंडियन बर्नर लगा रखे हैं, बहुत आदमी चाइनीज बर्नर ही लगाते हैं, हम इसलिए लगा रखे हैं जो नूडल्स राइस वगैरह जब भी हम ऑर्डर मारेंगे तो वो चिपके नहीं। हमने जो चाइनीज के बारे में बता रहे थे, ये जैसे कि 3 टाइप रेंच होता है, ये देखिए 1, 2, 3। और ये जो है रेड जो है क्यों देता है, क्योंकि ये रेड बनरल के लिए है, और ये ब्लैक जो देते हैं ये पायलट के लिए, एक्चुअली पायलट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। तो इसके लिए देखिए जैसे कि अगर हम ये चूल्हा लगाएं तो इसका और इसका बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। जो अगर मान लीजिए कोई आदमी अगर यहाँ पे अगर हम चॉपिंग कर रहे हैं मान लो, और यहाँ पे सेफ ऑर्डर लगा रहे हैं, जैसे कि जो सेकेंड को में होते हैं वो मीजा रेडी करते हैं, और जो CDP होते हैं वो आपको ऑर्डर लगाते हैं, तो हम एक दूसरे में टकराए नहीं, मीजा रेडी करके देते हैं। तो इसके लिए हमको ये क्या है, टेबल टॉप फ्रिज है, चाइनीज़ के सामने हमने टेबल टॉप फ्रिज रखे हुए हैं, जो आपको इससे पहले भी हमने तंदूर में दिखा चुके हैं, टू डोर का फ्रिज, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही है। तो ये देखिए हम आपको दिखलाने वाले हैं 3 डोर फ्रिज। ये रहा आपको 3 डोर फ्रिज, और ये फ्रिज का अंदर का जो लुक है आप देख सकते हैं, स्टेनलेस है, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चाइनीज़ के लिए। आप सोचते हैं कि इसके लिए क्यों चाहिए हमको इतना फ्रिज, एक्चुअली फ्रिज इसलिए चाहिए क्योंकि आपका वेस्टेज कम होगा, वेस्टेज बचाने के लिए आपको फ्रिज चाहिए। और एक इंटरेस्टेड बात यह है कि जैसे कि आप इसमें ऑर्डर मारें, लेफ्ट हैंड में आपको सिंक होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में सिंक होना चाहिए। और ये रहा स्टोव पॉट, तो आप एल्युमिनियम की जगह स्टील यूज कर सकते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम से बेहतर स्टील हाइजेनिक होता है। फिलहाल मेरा पास ये है तो हमने आपको ये दिखलाया है, स्टोव पॉट इसको हम बोलते हैं। तो ये 3 टाइप क्या चीज़ के लिए काम आता है, जैसे कि हम
इस पे राइस नूडल्स मान लें, इस पे ग्रेवी आइटम जो होता है चिली पनीर हो या चिली चिकन हो हम उसको मार लें। इस बाल्टी में भी पानी इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा जो ये डब्बुक वगैरह होता है इसको हम पानी से इसको आसान से धो पाते हैं। तो ऐसे ही आप लोग इंडियन का अब हम सेटअप दिखलाने वाले हैं, मतलब इंडियन किचन का। तो इंडियन किचन का सेटअप एक्चुअली ये देखिए, ये जो है एक्चुअली मोमो स्टीमर है, लेकिन हम इसमें राइस स्टीम करके देते हैं जो राइस गेस्ट को गर्म मिले इंडियन के लिए। और ये रहा इंडियन सेटअप का टेबल। इस टेबल पे हम 3 टेप्स ग्रेवी यहाँ पे जियन पैन में रखेंगे, और इसके लिए हम स्पाइसेस जो यूज करने वाले हैं मसाला, ये देखिए इतना सारा मसाला हमको इंडियन में यूज करने के लिए चाहिए। हम इसको बोलते हैं मसाला बॉक्स, और आप हिंदी में मसाला बॉक्स भी बोलते हैं, और इंग्लिश में आप लोग इसको स्टील बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही ये देखिए हमने यहाँ पे 2 टाइप का रैक भी लगाए हुए हैं जो आपको ड्राई मसाला के लिए रख सकते हैं। अब जो है हम आपको दिखलाने वाले इसका साथ में हम जो कटलरी वगैरह क्या क्या यूज करने वाले हैं, इस जैसे कि किसमें हम क्या देते हैं, ये देखिए हम वेजिटेबल गेस्ट के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे भेज ग्रीन कलर को चॉपिंग बोर्ड इसलिए यूज करते हैं जो भेज में हम यूज करते हैं। और एक्चुअली आप येलो कलर का जो है या रेड कलर का जो है यूज कर सकते हैं, एक्चुअली आप नॉन वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है समझने की बात, और आपको काम करने में भी आसान होता है। और ये रहा आपको जैसे कि यहाँ पे देखिए हम इंडियन में मिनिमम 3 और 4 बर्नर लगाए हैं क्योंकि ये बिग किचन है, और आप चाहें तो 2 रेंज में भी बना सकते हैं। तो जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे नॉन स्टिक में कभी भी आप स्टील का कुछ यूज ना करें, इसमें आप वुडन का जो हैंडल होता है उसको आप यूज करें। ऐसे ही आपको ग्रेवी आइटम मारने के लिए आपको चाहिए एकदम जियन पैन का जैसा फ्राई पैन होना चाहिए, जो आपको जियन पैन खाना जल्दी पकाता है और ऑलरेडी फास्ट होता है। हल्का सा होटल्स या रेस्टोरेंट का खाना में क्या होता है, थोड़ा सा स्मोक होता है ना। और ये देखिए आपका 3rd रेंच हमारा जो डबल सेफ होते हैं, तो आप एक सेफ इसमें, एक सेफ उसमें, और एक सेफ उसमें पुलाव वगैरह मार लें। उसी का ठीक सटे हुए लेफ्ट हैंड में आपको सिंक होना चाहिए, और उसका बगल में डस्टबिन होना चाहिए। कभी आपका ये जाम हो गया तो आप लेफ्ट हैंड से उठा के इसमें डाल सकते हैं। नॉन स्टिक फ्राई पैन में कभी भी आप जो है स्टील का जाली यूज ना करें, आप ये जाली यूज कर सकते हैं नॉन स्टिक फ्राई पैन में। ऐसे ही रहा आपका ये पेंट्री सेक्शन। और ये देखिए पेंट्री सेक्शन में जो है हम एक्चुअली यहाँ पे चाय का KTC बर्नर 3 बर्नर लगाएंगे, जिस पे चाय कॉफ़ी वगैरह आराम से दे पाएंगे, और जूसेस वगैरह के लिए, शेक वगैरह के लिए हम यहाँ पे एक रैक बनाए हुए हैं। और ये देखिए स्टील का जो ये एक्चुअली हमने फिल्टर लगाए हुए हैं और हुड लगाए हैं, ये पूरा किचन में लगाए हुए हैं। हम आपको पूरा किचन का भी वीडियो अभी दिखलाएंगे, पूरा आसान से देख सकते हैं। उसके लिए हमको ये देखिए यहाँ पे हमने मसाला बॉक्स पेंट्री के लिए भी लगा रखे हैं, जो जो यूज करना है हमको इसमें मसाला रखेंगे, और भेज में हम भेज यूज करेंगे। और ये रहा आपका 2-डोर फ्रिज जो पेंट्री में हम यूज करेंगे। तो आप लोगों ने देखा तंदूर, चाइनीस, इंडियन, पेंट्री और कॉन्टी। कॉन्टी एक्चुअली चाइनीज़ का साथी है, तो कॉन्टी चाइनीज़ का साथी है, तो एक ही चूल्हा पे हम वहाँ पे यूज कर लें। तो हम लगाए हैं ये देखिए एक्चुअली किचन में जो लगाए हैं इसको बोलते हैं क्योटी स्टीनर। क्योटी स्टीनर का मतलब हुआ किचन ऑर्डर टेकर, ठीक है। किचन इसमें क्योटी हम इसमें लगाएंगे, जब भी ऑर्डर आता है पेपर्स में तो इसमें हम क्योटी लगाएंगे। उसी क्योटी से जैसे कि आप मान लो एक प्लेन राइस आया, तो प्लेन राइस इस बॉल में हम डालेंगे। जैसे कि आप मान लो आपका कोई मिक्स वेजिटेबल आया, तो इस बॉल में हम यूज करेंगे। अगर आप मान लो कोई दाल ऑर्डर आया, तो इस बाल्टीन में यूज करेंगे। अगर मान लो आपको कढ़ाई पनीर या कढ़ाई चिकन आया, तो इस कढ़ाई को हम यूज करेंगे। इंडियन फूड्स एक्चुअली इसमें देते हैं, सर्विंग करते हैं, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हम जो है चाइनीज़ का कटलरी और स्टार्टर वगैरह का भी हम प्लेट लगा चुके हैं, साफ सफाई करके एक्चुअली हम ये देखिए यहाँ पे A to Z इसमें सफाई करके लगा चुके हैं। और एक्चुअली इसमें हॉट टेम्परेचर होता है जिससे आपको गर्म रहता है,
प्लेट्स वगैरह, और कोई भी आपको खाना में कंप्लेन नहीं आता है। और ये रहा आपका जैसे कि रोटी बास्केट, हम एक्चुअली इसमें रोटी बास्केट के लिए यूज करते हैं। और ये रहा आपको मिक्सिंग बाउल, कोई भी अगर ग्रेवी या कोई भी सॉसेस अगर हमको बनाना होता है तो इस मिक्सिंग बाउल में हम यूज करेंगे। और ये रहा आपका मोमो हॉटकेस, हम लोग इसमें मोमो इसलिए देते हैं क्योंकि इस जगह में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, तो हॉट रहने के लिए हमको ये मोमो हॉटकेस को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको हम लोग एक्चुअली मोमो हॉटकेस बोलते हैं, है ये एक्चुअली हॉट पॉट। और ये रहा आपका मैक्रो ओवन, इतना बड़ा किचन में हमने दो मैक्रो ओवन लगा रखे हैं। तो ये देखिए, इससे पहले एक मैक्रो हमने दिखलाए हैं, अब फिर से दिखलाएंगे। इससे पहले मैं टू डोर फ्रिज और दिखला देते हैं, जो इसमें हम एक्चुअली ये देखिए बटर ग्रीन पीस वगैरह जो स्टोर से ला के स्टोरेज करेंगे वो हम इसमें रखे हुए हैं। बटर हो गया, ग्रीन पीस हो गया, मावा हो गया, चेरी हो गया, हम ऐसे ही बहुत सारा चीज़ ग्रेवी वगैरह इसमें हम स्टोरेज करते हैं। तो ऐसे ही एक किचन में हमको क्या क्या किचन इक्विपमेंट का ज़रूरी होता है वो आज आप लोग देख रहे हैं, जिसके लिए हमने ये डस्टबिन लिए हैं। और ये रहा आपका और एक माइक्रो ओवन, और हम मिक्सी यूज करेंगे 4 से 5 इस किचन में, बड़ा किचन में। और ये देख रहे हैं एक्चुअली हम जो ये बनवाए हैं, एक्चुअली मेरा जो ये रेस्टोरेंट बनने वाला टेबल अभी बन ही रहा है, काम चल रहा है, इसका जो ग्लास जो है हमने लाइव रखे हैं। लाइव इसलिए रखे हैं इससे गेस्ट भी आए तो किचन देखे कितना हाइजेनिक और कितना साफ सफाई है। तो इसके लिए आप लोग देखे हैं पूरा किचन का ये, तो पूरा किचन एक्चुअली हमारा कितना बड़ा है, चलिए आज हम आपको दिखलाते हैं। तो आप देखिए ये किचन कितना बड़ा है, ये देखिए इतना बड़ा किचन में हमने सारा सेटअप करके रखे हुए हैं। इसका साथ में हम भुसरी खाना भी बनाए हैं, उसका भी वीडियो दिखलाएंगे। भुसरी खाना मतलब जैसे कि नॉनवेज वगैरह जो ब्लड जो होता है, जैसे खून लगा हुआ रहता है, जैसे कि फिश काटना है, चिकन काटना है, मटन काटना है, जो भी कुछ काटना है उसको हम दिखलाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो कैसे सेटअप। फ्रेंड पीछे जो है हम वॉशिंग एरिया बना रखे हैं, और ये जो किचन का सेट अटैच है, और मैं आपको दिखलाने वाले हैं भुसरी खाना का। जैसे कि यहाँ पे हमने ये जो टू बर्नर स्टोव पॉट लगा रखे हैं, जैसे कि ग्रेवी वगैरह बनाना है, इससे पहले भी मेरा जो वीडियो बनाया उसमें भी देखना हो तो इसको चाहिए। और जैसे कि स्टाफ फूड वगैरह भी बनाना होता है तो आप इस पर बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हम अगर चाहें तो इसको खोल के भी रख सकते हैं ड्रॉ जो है, अगर मेरा स्टाफ जाना आना करेगा तो रेस्टोरेंट की तरफ से जाना आना नहीं करेगा, इधर से एंट्री करेगा। तो इसी के सामने हमारा जैसा स्पेस मिला उसके लिए हमने जो चिकन मटन फिश वगैरह जो कच्चा वाला जो काटेंगे, भुसरी खाना जिसको बोलते हैं, वो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक सिंक लगा रखे हैं, एक डस्टबिन लगा रखे हैं, और यहीं पे हम यहाँ पे लगाए हुए हैं टू डोर फ्रिज, और उसमें हम यूज करने वाले हैं चॉपर और टू रेड चॉपिंग बोर्ड का। ये टू डोर फ्रिज में हम जितना भी कच्चा जैसे कि नॉनवेज होगा, मीट होगा, इसमें हम स्टोरेज करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए, जैसे कि शिवशंकर शेफ कंटेंट देखने के लिए अच्छा अच्छा जैसे कि वीडियो अगर देखते हैं किचन के लिए या रेस्टोरेंट सेटअप के लिए, तो आप लोग जितना भी अनसब्सक्राइबर लोग हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे कि गैस का जैसे कि पाइपलाइन हमको कैसे बनाना है, जैसे कि गैस बैंक कैसे बनाना है, उसको भी हम आपको दिखलाएंगे। ये हम जो गैस लाइन बनाए हैं एक्चुअली इसको लगाना पड़ता है प्रेशर के लिए, प्रेशर बढ़ाना है तो आपको ये लगाना है, और एक साथ में हमको गैस लगाना है 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 पाइप लगा रखे हैं। जैसे कि हमको 3 ही सिलेंडर यूज करना है, 3 नहीं करना, बाय चांस अगर कभी आपका ये पाइप फट गया या कहीं से लीक हो गया तो आप इसको बंद करके यहाँ से यूज कर सकते हैं। गैस सिलेंडर जो है कभी भी आप किचन का अंदर यूज ना करें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड अब हम इस किचन का जो पार्ट्स एक और होता है वॉशिंग एरिया, उसको भी अब हम दिखलाते हैं एक्चुअली हमारा वॉशिंग में क्या क्या होना ज़रूरी है और क्या क्या होना ज़रूरी नहीं है। ये देखिए वॉशिंग में सबसे पहले हमने इससे पहले भी वीडियो दे रखा हूँ वॉशिंग एरिया का। ये देखिए ये वॉशिंग में 3 टाइप सिंक्स होना चाहिए, जिसमें हमने ये देखिए गीजर भी लगा रखे हैं, जो एक जगह में गर्म पानी और एक जगह में ठंडा पानी के लिए ये जो है आपको हमने
लगा रखे हैं सिंक, जैसे कि अगर हमको गर्म पानी चाहिए तो ये खोलना है, अगर ठंडा पानी चाहिए तो ये खोलना है, इसीलिए हमने इसमें मिक्सर भी लगा रखे हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं सामने में वाल माउंटेन लगाएं, जैसे कि छोटा छोटा बर्तन हो गया, छोटा छोटा बॉल हो गया, वो धुलाई करके फटाक से इस पे रख दिया, और ये हो गया आपका सोल्डिंग टेबल। सोल्डिंग टेबल का मतलब जैसे कि आप सोल्डिंग टेबल में इसका अंदर जो है आपको एक डस्टबिन लगाना, और ये जो ये होल है, ये होल के सामने में एक डस्टबिन रहता है, वो डस्टबिन लगाना ज़रूरी है। जैसे कि आपका कोई भी प्लेट्स वगैरह आया, इधर से आया, इधर से यहाँ पे रखा, कचरा इसमें डाल दिया, उसका बाद इसमें आपको मान लो सबसे पहले एक गंदा पानी रखा, फिर सर्फ पानी रखा, फिर फ्रेश पानी से निकाल के हमने किसका ऊपर रखना है, इस प्लेट्स वगैरह को किसका ऊपर रखना है, इसका ऊपर रखना है। जैसे कि हमने इसमें स्टार्टर प्लेट वगैरह वाश करके, ये देखिए पानी अभी भी है रखा हुआ धुलाई करके, इसी तरीका से बॉल्स वगैरह, ट्रे वगैरह, एक्चुअली ये देखिए कितना सारा रैक हमने लगाए हैं जो कोई भी बर्तन टूटे नहीं, इसके लिए ये चीज़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि बड़ा बड़ा अगर बर्तन धोना है तो उसके लिए हमको सिंक का ज़रूरी, बर्तन रखने के लिए हमको ये देखिए ये एक रैक लगा रखे हैं, इस पर हम सारा टोपिया वगैरह, बड़ा बड़ा बर्तन वगैरह हम इस पर रखे हुए हैं। तो आप लोग भी इसी तरीका से कभी भी कहूँ भी अगर रेस्टोरेंट या किचन या रिसोर्ट बनाना चाहते हैं तो शिवशंकर सेब को अगर आपको बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे जाके आप शिवशंकर सेब से उनका कॉन्टैक्ट नंबर लें या उनका उसी पे मैसेंजर पे बात कर सकते हैं। और ऐसा किचन और ऐसा रेस्टोरेंट बनाने, ऐसा वाशरूम और ऐसा आपका भुसरखाना बनाने के लिए आपको जो है सबसे पहले ये देखिए किचन का जो लुक है, एक्चुअली बहुत ही गजब का यहाँ पे दिया हूँ, और आपको ये चीज़ देख कर शायद अंदाज़ा हो जाना चाहिए एक्चुअली हमारा ये किचन कितना बड़ा बनाया है। इतना बड़ा किचन बनाने का सबसे बड़ा मतलब है आपको कभी भी खाना अगर बनाते हैं तो खाना बनाने के टाइम में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आना चाहिए। और ये देखिए हम जितना भी आपको ये वुड लगाए हैं सब स्टील का लगाए हैं, इसलिए वुड स्टील का लगाए हैं जो जब भी काम करे किचन के अंदर तो क्लीन होना चाहिए और पूरा इसको क्लीन रखना। और लाइट देखिए कितना सारा लगाए हैं, इतना सारा लाइट लगाने का मकसद मेरा यही है जो आप खाना मार रहे हैं उस खाना का ग्लेजिंग, उस खाना का कलर, उसका जो देने का स्टाइल, सजाने का स्टाइल आपको पूरा क्लियर कट नज़र आना चाहिए, कोई भी कीड़ा कोई भी तरह का गंदगी उसमें नहीं गिरना चाहिए।